शहजादी और मटर का दाना। कदीम जमाने में एक बहुत ही ताकतवर हुकूमत हुआ करती थी और वहाँ की रानी साहिबा जो चाहती थी वो हमेशा उन्हें मिल जाया करता था। वो अपने इकलौते शहजादे को दिलोजान से प्यार करती थी, जो इम्तियाज़ हसीन व जमील था। उसकी परवरिश में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उम्दा शाही लिबास, लजीज पकवान और पढ़ाई के लिए उम्दा मुतायला करने वाले रसायन और न जाने क्या क्या। शहजादा खुबरू जवान हुआ और उसकी शादी की उम्र करीब आ गई। तब रानी ने उसे अपने पास बुलाया। एक शहजादे को शहजादी के साथ ही शादी करना चाहिए और उसकी तलाश भी खुद करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें याद रखना। सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही काफी नहीं है। एक शहजादी सिर्फ बादशाह और रानी साहिबा की बेटी ही नहीं होती, बल्कि वो नाजुक, दिमाग की रोशन और दिल अजीज होनी चाहिए और उसे उम्दा लिबास की मालूमात होनी चाहिए, जिससे वो उन्हें नफासत के साथ जेबेतन कर सके। और सबसे जरूरी बात जो तुम्हें सबसे पहले परखनी चाहिए वो है उसकी दिलसोज आवाज। उसके पास परियों जैसी आवाज होनी चाहिए। शहजादे ने रानी की बात मान ली और माँ साहब ने उसे इजाजत दी कि वो जाके अपनी मनपसंद शहजादी का इंतखाब करे। शहजादा अपने वफादार सिपाहियों के साथ कई दिन तक सफर करने के बाद नजदीकी हुकूमत में पहुँचा। वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अपना तखल्लुस करवाया। बादशाह शहजादे से खुश हुआ क्योंकि वो हसीन और खानदानी था। बादशाह उसे अपनी शहजादी के पास ले गया जो कुंवारी थी और शादी की मुंतजर थी। शहजादा खूबसूरत शहजादी को उसके कमरे में देखकर खुश हुआ, जो नज्म पढ़ रही थी और बहुत ही उम्दा लिबास ज़ेबतन किया था। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। वालेकुम सलाम शहजादे। शहजादे को झटका लगा क्योंकि शहजादी की आवाज में खराश थी। आप ठीक तो है ना? क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? नहीं नहीं, मुझे प्यास की शिद्दत नहीं लगी। ओह ठीक है, आप अपनी नज़्म को पढ़ना जारी रखिए, मुझे तो अभी जाना होगा क्योंकि देरी हो रही है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शहजादा थोड़ा सा परेशान था, फिर भी उसने दूसरी हुकूमत की तरफ अपना सफर जारी रखा। वो एक बादशाह के किले में पहुंचा और उसने अपना तखल्लुस करवाया। बादशाह और रानी साहिबा शहजादे का तखल्लुस जानकर इस कदर खुश हुए कि वो उन्हें फौरन अपनी बेटी शहजादी से मिलवाने के लिए ले गए। शहजादा शहजादी के कमरे में गया। उसने एक खूबसूरत शहजादी को देखा जो खाने के मेज के पास बैठी थी, जो गिजा नौज फरमाने में मशगूल थी। शहजादे ने उसे गुलाब पेश किया। शहजादी ने उसकी तरफ नहीं देखा, वो गिजा नौज फरमाने में लगी थी। शहजादी, लगता है आप बहुत मसरूफ हैं, इसलिए अब हम चलते हैं, आप अपनी गिजा नौज फरमाइए। और शहजादा वहाँ से रुखसत हो गया। कई दिन सफर और जगह देखने के बाद भी शहजादे को अपनी मनपसंद शहजादी नहीं मिली और वो उदास और परेशान हो गया। मजबूर होने के बाद वापस अपने शाही किले में पहुंचा। उसके वालिदैन ने उसका इस्तकबाल किया। उसने अपने सफर का सारा वाकया बयान किया। ओह ये तो अच्छा नहीं हुआ, पर हम खुश हुए कि आपने उनमें से किसी भी शहजादी का इंतखाब नहीं किया। हमें पूरा यकीन है कि उनमें से किसी से भी शादी करके आप जिंदगी भर खुश नहीं रहते। शहजादा रानी माँ की बातों से मुतमईन हुआ और वहाँ से चला गया। उस रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी। शहजादा ये सारा नजारा देख रहा था। उसने किसी को किले में दाखिल होते देखा। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सिपाही ने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत लड़की भीगी हुई खड़ी थी। उसने उम्दा लिबास जेबे तन किया था जो पूरी तरह से भीग चुके थे। शहजादा फौरन नीचे आया जब उसने लड़की की दिलसोज आवाज सुनी। हम बारिश की वजह से भटक गए थे और हम आपके किले की रोशनी देखकर यहाँ आ गए हैं। क्या आप हमें आज की रात कयाम पजीर होने की इजाज़त देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका यहाँ इस्तकबाल है, अपना कोट हटाने की मुझे इजाज़त दीजिए। शहजादे ने उसका अपने किले में इस्तकबाल किया और इजाजत मांगी कि उसका कोट उतारे। जैसे ही उसने कोट हटाया, उसकी खूबसूरती देखकर शहजादे के होश फाख्ता हो गए। उसने अपने सिपाही से उसका ख्याल रखने को कहा और फिर रानी माँ के पास खबर देने चला गया। रानी माँ शहजादे के साथ लड़की को देखने आई। रानी ने उसे पहली ही नजर में नापसंद कर दिया। ये कोई शहजादी नहीं है बेटा, उसके गंदे गलाजत से भरे लिबास तो देखो, उसके साथ कोई सिपाही भी नहीं है। और भला एक शहजादी इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों निकलेगी? पर अम्मी जान, हमने आज तक इतनी खूबसूरत चाल चलने वाली लड़की नहीं देखी। रानी माँ समझ गई कि शहजादे को ये लड़की पसंद आ गई है। उसने एक साजिश की ताकि शहजादे को साबित कर सके कि वो लड़की कोई शहजादी नहीं है। हम इसका इम्तिहान लेंगे। आज रात हम इसे सोने के लिए शाही पलंग देंगे और उन 10 मुलायम गद्दों के बीच
हम रखेंगे ये कच्चे मटर का दाना। अगर वो नाजुक शहजादी है तो वो इस मटर के दाने की चुभन सह नहीं पाएगी। शहजादे को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। रानी माँ ने अपने सिपाही से मटर के दाने को पलंग के नीचे रखने को कहा। शहजादा लड़की को उसके कमरे तक ले गया। पलंग तक पहुँचाने के लिए एक सीढ़ी का बंदोबस्त किया गया। वो रात भर सो नहीं पाई। लड़की सुबह उठी और उसने सिपाही को बुलाया। मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, पर शहजादे से ये बात मत कहिएगा। ये पलंग तो बहुत ही बकवास है, मानो जैसे किसी ने ईंट रख दिया हो। मैं सारी रात सो नहीं पाई। शहजादे को लड़की की शिकायत के बारे में पता चला। वो फौरन उसके पास पहुँचा। आप ही असली शहजादी हैं, क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर इस पलंग पर मुझे कभी नहीं सोना। शहजादा और शहजादी की शादी धूमधाम से हो गई और वो हमेशा के लिए एक हो गए।